हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं आया हूँ बैंड स्टैंड, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बैंड स्टैंड पे, और हम यहाँ पे देखेंगे बैंड स्टैंड का पूरा माहौल, पूरा एरिया आपको दिखाऊंगा। और बैंड स्टैंड के साथ ही साथ यहाँ पे दो किंग खान हैं जो बैंड स्टैंड पे ही है, एक है शाहरुख खान और दूसरे हैं हमारे सलमान खान। तो मैं आपको दोनों का घर दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर में बने रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप पहले लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में, नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम लोग आए हैं इस वक्त बैंड स्टैंड पे, और आप देख सकते हो ये बैंड स्टैंड का हल है। एक महीने से कुछ बारिश हो रही थी मुंबई के अंदर, और इसी बैंड स्टैंड पे 15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के अंदर में कि दो लेडीज़ यहाँ से जो बह गए थे पानी के अंदर। तो मैं आपको प्लेस भी बतलाऊंगा कहाँ पे बह गए थे, और आप देख सकते हो अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल अंदर जाने के लिए बिल्कुल मना ही है। ये देखिए, दूर तक आप देखोगे तो ये बिल्कुल सन्नाटा सा आपको लग रहा है। देखिए यहाँ पे पब्लिक तो बैठी है लेकिन अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ये पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे सब पुलिस वाले खड़े हैं जो अंदर आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे स्पॉट्स आपको बतलाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे उस जगह से दो लेडीज़ देखो यहाँ से बह गई थी। ये देखिए स्पॉट है जहाँ तेज़ बारिश आई थी और बड़ी बड़ी लहर थी पानी की, और जब वापस हुई थी वो सेल्फी लेते समय में उसको अंदर खींच लिया था। यह देखिए, और ये है बैंड स्टैंड मुंबई का, जो बांद्रा बैंड स्टैंड है, बहुत ही फेमस जगह है। अगर मुंबई में आदमी आते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि बैंड स्टैंड पे जाने के लिए। ये देखिए, और यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें हैं, और लोग बैठे हैं देखिए आराम से, जो अंदर तक पानी तक जाते थे पानी की मज़ा लेने के लिए, आज पानी का मज़ा इनको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टॉप लगा दिया है कि आगे आप पानी में नहीं जा सकते। और देखो यहाँ पे स्टैच्यू, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टैच्यू, जो कि बिल्कुल स्टैच्यू आपको दिखेगा, गोल्डन स्टैच्यू। एक आदमी देखिए तो गोल्डन स्टैच्यू किस तरीके से यहाँ पे बनते थे। ये देखिए, गोल्डन स्टैचू है, यहाँ से आप इनके कुछ हेल्प कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रा सा भी आपको ये हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। गोल्डन स्टैचू ये एक आदमी है, एक इंसान है, लेकिन इसके साथ में अगर खड़े रहोगे तो बिल्कुल ये स्टैचू की तरह आपको नज़र आएगा। देखिए, और साथ में लोग इसको हेल्प करते हैं, यहाँ पे डोनेशन वगैरह जो भी है इसको देते हैं। लेकिन ये बहुत कमाल की बात है, देखो इस तरीके से उस समय तक देखिए किस तरीके से खड़ा, बिना हिले झुले, न हिलना है न झुलना है बिल्कुल, देखिए इसका। और लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ इसको हेल्प करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखिए, सेल्फी लो, फोटो लो, ये आदमी ऐसी का ऐसी खड़ा रहेगा, ये देखिए, और ज़रा सा भी हिलेगा नहीं। ये देखो आराम से खड़ा है, ये ज़रा सा भी हिलने वाला नहीं है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड में देखिए शाहरुख खान का बंगला है, शाहरुख खान का घर, जो कि मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और बस बिल्कुल हम लोग करीब पहुँच चुके हैं, तो हम देखेंगे शाहरुख खान का बंगला भी देखेंगे। ये देखिए अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर जाने का किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ से एक दो लड़की बह गई थी 15 दिन पहले, इसलिए बिल्कुल मना कर दिया है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे तो पुलिस वाले आके हम लोग को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि अंदर जाने का बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूर दूर तक आप देख लो समुंदर को, मैं ज़रा झूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दूर दूर तक आपको समुंदर आपको यहाँ से नज़र आएगा, और वहाँ तक आपको दिखाई देगा, लेकिन अंदर कोई भी आदमी आपको जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल ये समुंदर के बिल्कुल सामने है। ये देखिए ये समुंदर है जहाँ पे तेज़ तेज़ हवा चल रही है, और इसके बिल्कुल सामने ये देखिए है हमारे शाहरुख खान का घर, मन्नत।
तो चलो मैं आपको यहाँ आया हूँ तो मन्नत भी दिखा देता हूँ। मन्नत जो है वो भी आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। आ गया हूँ मैं, ये देखिए एक रोड क्रॉस करना है और जैसे ये रोड को हम लोग क्रॉस करते हैं ये देखिए, तो वैसे ही हम लोग आ जाते हैं मन्नत के सामने। देखिए ये समुंदर है, बिल्कुल समुंदर का किनारा, और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं मन्नत पे। ये देखिए झाड़े हैं, ये बादाम का झाड़ है, और यहाँ से अभी हम लोग आ जाते हैं शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पास में। ये है शाहरुख खान का घर जिसको कहते हैं मन्नत। ये देखिए मन्नत लैंड, देखिए जाली है यहाँ पे, और पीछे देखिए बंगला है। बैक साइड में जो कांच का दिखाई दे रहा है ये बंगला है, ये जाली है जो शाहरुख खान का जो पते होता है तो इसी जाली के अंदर में आते हैं बाहर और हाय हेलो करते हैं इसी जाली के अंदर। देखिए जो काली जाली दिख रही है यहाँ पे, इसी जाली के अंदर में आते हैं। और गेट है जो कि मन्नत लिखा है उनके बंगले का नाम, लेकिन अंदर जाने का जो रास्ता है वो साइड से, ये एक रोड दिख रहा है यहाँ से अंदर, ये अंदर जाने का रास्ता है जो साइड से मन्नत के अंदर, आप वहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरी गाड़ियाँ वगैरह आते रहती है, और यहाँ की तरफ है बांद्रा फोर्ट ऊपर साइड में, और ये मन्नत यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और वीडियो बनाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। ये देखिए मेरे सामने बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे हमेशा गर्दी रहती है। जब भी आप आओगे ऐसी भीड़ आपको मिलेगी उनके फ़ोटो लेने के लिए, गेट के सामने फ़ोटो लेते हैं लोग, मज़ा करते हैं, इन्जॉय करते हैं। यह है शाहरुख खान का घर। और दोस्तों अभी हम फिर से चल रहे हैं समुंदर के पास में, और मैं आपको बतला दूं कि शाहरुख खान के घर के अंदर इस रास्ते से वो नहीं जाते जो ये गेट दिखा रहे हैं। लोग जो फ़ोटो निकाल रहे हैं वहाँ से उनका अंदर जाने का एंट्रेंस नहीं है। एंट्री कहाँ से है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लोग इस गेट से, देखिए यहाँ से जाते हैं, ये गेट है, जब उनकी गाड़ी वगैरह आएगी तो इस गेट से अंदर जाएगी। यहाँ पे देखिए पीली जो दीवार दिख रही है वहाँ से गेट है अंदर जाने का, तो अंदर जाने का रास्ता ये है उनका। और यहाँ पे देखिए साइड में भी बहुत सारी झाड़े हैं, एक बाजू में एक और बंगला है, कुछ उसके पीछे कुछ काम चल रहा है, लेकिन ये मन्नत फेमस है। और यहाँ पर मन्नत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और बांद्रा में आप जब आओगे तो बांद्रा से 211 नंबर बस पकड़ते हो तो सीधा शाहरुख खान के मन्नत के पास में इसका बस स्टॉप है। ये देखिए मैं आपको बतला देता हूँ, ये मन्नत है और मन्नत के पास में है इसका बस स्टॉप। ये देखिए ये है बस स्टॉप 211 नंबर का, यहीं पे आपको उतार देगी, और यहाँ पे आप मन्नत का फोटो वगैरह ले के आप यहाँ पे इसका जो समुंदर है बीच है जिसको बैंडस्टैंड कहते हैं इसका आप मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ से फिर आप आगे जाओगे तो है बांद्रा फोर्ट, तो चलो मैं आपको घुमाता हूँ बांद्रा फोर्ट, लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसलिए बांद्रा फोर्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो।